नमस्कार, जय हिंद। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं और आज यहां पर दोबारा से माननीय राहुल गांधी जी से रूबरू होने का टाइम आ चुका है। बातों बातों में ये अंदाज़ा लगाया कि भाई मैं खाना पीना भी बनाता हूँ, तो राहुल जी ने मुझे बोला था कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। जय हिंद भैया। जय हिंद। कैसे हैं? नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और बताइए सर। ठीक है, कैसे हैं आप? बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर मूर्ति पूजन रहती है, जब तक हम जिंदा हैं ना तब तक उसको ना तो भला बोलेंगे और ना ही कुछ काम करेंगे। जब मर जाएंगे तो जैसे कल मेरे बच्चे लगा लो, मेरे लिए मैं खुद बता रहा हूँ, कल आपके पास मेरे बच्चे आ सकते हैं, मैं जाने बाद में अंकल मेरे पापा आपसे मिले थे, आप बोलोगे ठीक है भाई ये छोटे भी मेरे लिए इसकी स्मारक बना दो, उनके नाम से ये कर देंगे। मगर जब बंदा जिंदा रहता है ना तब उसको वो दिन मिलती है। मैं यही चाहता हूँ कि ये सोच भी आनी चाहिए राष्ट्र के प्रति कि भाई इन सैनिकों को भी हम क्यों भूलें, क्यों हम इंतजार करते हैं कि कोई बंदा शहीद हो जाएगा तभी उसको बिल्कुल हम सम्मान करें। मेरी जो बहन है उसको छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो दुनिया के सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूं कि मैं प्रियंका के जन्मदिन पे उसके लिए वो छोले भटूरे बना दूं। चलिए साहब, चलिए चलिए। उसके बाद में हमारे पास में AK-47 आई श्रीनगर में तेजाम, उसके बाद में फिर हम लोगों ने इंसास को चलाया। साहब इसको अभी ना तब तक ये 5 से 10 मिनट होता है ना इसको हम ढक के रख देते हैं। तो ये आपको किसने सिखाया? पुरुष प्रधान अपने आप को देश बोलता है ना, नारियां हमारे लिए बहुत कुछ करती है, माँ को लगा लो जन्म लेती है तो बेचारी खुद गिले में सोती है, उनको सुकन चलाती है, बहन को लगा लो त्याग देती है, राखी के दिन देखिए उपवास रखती है, बीवी को लगाइए करवा चौथ का, ये सब कुछ करती है। हम नारियों के लिए क्या करते हैं पुरुष प्रधान देश? अभी तब तक हम लोग छोले का प्रोसीजर करेंगे। ये 2 गिलास पानी डाला था इसमें और इसमें थोड़ा सा मैंने आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए इसमें। अब इसको हम सीटी मरा देते हैं 8 से 10। ये देखिए जैसे कभी इमरजेंसी में ना, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ताकि हिम्मत नहीं हारना है कि भाई एक हाथ से कुछ नहीं कर सकते हम लोग ना, ये आपके सामने है ये देखिए। तो आप तो काट लोगे लेकिन मैं आपको ये और जनता के लिए भी एक सीख है कि जो बंदे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बैठ जाते हैं ना कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये हो गया हो गया, भीख मांगने से अच्छा है ना अपने आप को जगाइए। छोले के लिए जीरा डाल दिया गया है थोड़ा सा, जीरा प्याज हरी मिर्च, हाँ इसमें आप तेज पत्ता डाल सकते हो। आप बोलते ना एक हाथ से कुछ नहीं होता, देखो आपके सामने फिर उसको सब कुछ हो जाएगा। अच्छा अग्निवीर के बारे में बताइए मुझे, आपकी क्या राय है एग्जैक्टली? अभी क्या होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप देश जो है ना युवा बंदे के पास में बिना काम करे मोबाइल आ रहा है, वो बंदा 4 साल नौकरी करके आएगा, उसमें से एक भी बंदा अगर गलत निकल गया सपोज करो किसी ने ऑफर दे दिया उसको कि भाई साहब मैं आपको 2 करोड़ रुपये देता हूँ, थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, अगर उसने इन्फॉर्मेशन एक बंदे ने भी दे दिया जो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देश की इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी हाँ,
वहाँ पर बोलेंगे जी भाई 25% आदमी को रख रहे हैं, फिर मैं आपको फोन करूंगा सर मेरे बेटे को रखवाओ, या किसी एमएलए को फोन करूंगा मैं, वो एमएलए आप जैसे बंदों के ऊपर दबाव बनाएगा। मेरी सोच है कि जब आर्मी एक व्यक्ति को 15 साल के लिए लेती है तो उसका रिश्ता बिल्कुल अलग होता है, 4 साल में वो रिश्ता बन ही नहीं सकता। जो ट्रेनिंग उस व्यक्ति को मिलती है वो मिल नहीं सकती, जो भावना होती है वो 4 साल में नहीं बनती। आपने बनाए हैं और जो मैंने बनाए मुझे फर्क तो दिख रहा है, मुझे आपके आपके अच्छे मेरे थोड़े ढीले से बने हैं। नमस्कार, कैसे हो? तुम्हारा नाम क्या है? निम्रत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। छोले भटूरे खाओगे? टेस्टी है। कैसा लगा सर आपको? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। 65 में लड़े आप? नहीं, 62 65। हम नागालैंड में थे सर, उधर से हमको फिर ये चाइना बॉर्डर पर ले आए। और 65 में कैसा था? उसी में हम कैजुअलिटी हुए थे। कहाँ लगी आपको? पेट में। बस लगा? कितने कितने गोलियां लगी? 2-3 गोली है, एक तो अभी भी मेरे अंदर है। एक ऐसे पकड़ा, एक ऐसे पकड़ा, एक ऐसे पकड़ा। अब नहीं चलो, अब नहीं चलो, अब नहीं चलो।